अस्सलाम वालेकुम, अनसेंसर्ड विद उमर याकूब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, डेथ सेंटेंस, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत, दुनिया में ऐसे कितने ममालिक हैं जहां पर इस कानून पर अमल दरामद किया जाता है, और ऐसे कौन से ममालिक हैं जिन्होंने इस कानून को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 साल के दौरान कितने अफराद को सजाए मौत मिली, फौजी अदालतों में कितने केसेस चले और वहाँ से कितने अफराद को तख्तादार पर लटकाया गया, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ रहिए। किसी भी मुलजिम के खिलाफ अदालती कार्रवाई के बाद साबित होने वाले संगीन जुर्म पर उसे मिलने वाली सजा को कैपिटल पनिशमेंट या सजाए मौत कहते हैं। कत्ल या सजाए मौत माजी में तकरीबन हर मुआशरे में सजा के तौर पर दी जाती रही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस कानून में बदलाव आता गया और अब बहुत से ममालिक ने इसे कलदम करार दे दिया है। में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शाया होने वाली मालूमात के मुताबिक फिलहाल सिर्फ 58 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये सजा कानूनी तौर पर फाल है, जबकि 95 ममालिक में इस सजा पर पाबंदी आयद की जा चुकी है। दुनिया के बाकी ममालिक में गुज़िश्ता 10 साल में किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई गई है और वहाँ सिर्फ मखसूस हालात जैसे जंगी जराइम की पादाश में ही सजाए मौत दी जा सकती है। ये मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों में सरगर्म और मतनाजा मामला रहा है। यूरोपीय यूनियन में सजाए मौत पर बुनियादी हकूक के चार्टर के मुताबिक पाबंदी आए थे। गो के इस वक्त दुनिया के ज्यादा ममालिक सजाए मौत को तर्क कर चुके हैं, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अभी भी दुनिया की तकरीबन 60% आबादी ऐसे ममालिक से ताल्लुक रखती है जहां सजाए मौत को ताहाल कानूनी हैसियत हासिल है। इनमें ज्यादा गुंजान आबाद ममालिक जैसे अमरीका, अवामी जमहूरिया चीन, भारत और इंडोनेशिया शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2009 में सजाए मौत से मुतालिक इंतहाई खौफनाक अदादोशुमार जारी किए। इनके मुताबिक उस साल दुनिया के 18 ममालिक में तकरीबन 714 अफराद को सजाए मौत दी गई। इसके अलावा कई ममालिक ऐसे हैं जो सजाए मौत पर अमल दरामद बारे मालूमात फराहम नहीं करते। उनमें अवामी जमहूरिया चीन सरे फहरिस्त है, जहां ख्याल किया जाता है कि हर साल सैकड़ों अफराद को सजाए मौत दी जाती है। 2010 के पहले 6 माह तक दुनिया भर में 17,000 अफराद को सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। सजाए मौत वाले मुजरिम को हलाक करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें मुलजिम को बरकी कुर्सी पर बिठाकर कर्ण लगाना, आंखों पर पट्टी बांधकर गोली मारना, संसार करना, किसी बंद जगह पर कैद करना ताकि घुटन से मौत हो जाए, गले में फंदा डालकर तख्तादार पर लटकाना और जहरीले टीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान भी फांसी की सजाओं में सबसे ज्यादा अमल दरामद करवाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पाकिस्तान में सजाए मौत से मुतालिक एक मुश्तरका रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक इस वक्त मुल्क में ऐसे 32 कानून हैं जिनकी खिलाफ वर्जी पर मौत की सजा सुनाई जा सकती है, जबकि इसके बरक्स क्यामे पाकिस्तान के वक्त सिर्फ 2 जराइम, कत्ल और दहशतगर्दी ऐसे थे जिनमें मौत की सजा तजवीज की गई थी। इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि साबिक फौजी सदर जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा ऐसे कानून मुतारिफ करवाए गए जिनमें मौत की सजा दी जा सकती थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सन 2015 में पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों ने 418 अफराद को फांसी की सजा सुनाई और 333 अफराद को फांसी दी गई। सन 2016 में 425 अफराद को मौत की सजा सुनाई गई और 99 अफराद को फांसी दी गई। सन 2017 में मुख्तलिफ अदालतों ने 260 अफराद को मौत की सजा सुनाई और अदालती फैसलों पर अमल करते हुए 64 अफराद को तख्तादार पर लटका दिया गया। सन 2018 में 347 अफराद को मौत की सजा सुनाई गई और 14 अफराद को फांसी दी गई, जबकि रवा साल मुख्तलिफ अदालतों ने 335 अफराद को मौत की सजा सुनाई है और अब तक 10 अफराद को फांसी दी गई है। इस अरसे के दौरान फौजी अदालतों ने 308 मुकदमात का फैसला सुनाया और इनमें से 58 अफराद की सजाओं पर अमल हुआ। हुकूमत का कहना है कि जिन अफराद को फौजी अदालतों ने मौत की सजा सुनाई वो तमाम दहशतगर्द थे।
रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गुज़िश्ता 20 साल के दौरान मुख्तलिफ अदालतों ने 33 खवातीन को मौत की सजा सुनाई है, तहम इनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जिन खवातीन को मौत की सजा सुनाई गई, इन पर ज्यादातर मंशियात और घरेलू झगड़ों के मुकदमात थे। नाजरीन, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि दुनिया में जिन ममालिक में सजाए मौत के कानून पर अमल दरामद किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, लेकिन अपनी आइंदा अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन ममालिक ने इस कानून को तर्क कर दिया तो वहां पर कैदियों के साथ यानी मुजरमों के साथ क्या सलूक किया जाता है कि उन्हें सबक सिखाया जा सके। ऐसी मजीद दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक के लिए अपने मेजबान उमर याकूब को इजाजत दीजिए। देखते रहिए एक्स रिपोर्टर।